चौक पूरा मंगल का सब रंग पायो रे। संजय सर ने बोला कि एक वेलकम सॉन्ग है वो करना है, और ऑलरेडी हम दिल दे चुके सनम में यूज़ हो चुका था एक गाना अलबेला साजन आयर, और इनके दिमाग में जो सिचुएशन थी वो उन्होंने बताई नहीं, बट ये था कि हाँ यही गाना है, इससे अच्छा वेलकम सॉन्ग नहीं हो सकता। इसका टेम्पो चेंज किया गया, इसकी ट्यून चेंज की गई, इसके नोट्स चेंज किए गए, और मेरे सामने ही गाना पूरा बना और बहुत खूबसूरती से यू नो इस फिल्म में फिट हुआ है। क्योंकि जब भी बाजीराव जीत के आते हैं और उनका वेलकम किया जाता है तो इस गाने से वेलकम किया जाता है। इस गाने की स्पेशलिटी है कि ये गाना सबसे पहले जो उन्होंने हम दिल दे चुके सनम में यूज़ किया था वो ट्रेडिशनल ट्यून थी। इसमें जो इन्होंने यूज़ किया है वो लिरिक्स तो सेम है बट ट्यून बिल्कुल भी अलग है। दोनों ही नॉर्थ इंडियन क्लासिकल, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल है वही चीज़ है दोनों, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो बहुत कुछ चेंजेस हैं और बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। आई होप सब लोगों को पसंद आएगा। पहली बार मेरे सामने तो पहली बार हुआ कि इतने सारे क्लासिकल सिंगर्स एक साथ गा रहे हैं। क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग में क्या होता है कि आप कंट्रोल करके नहीं गाते हो, आप बिल्कुल फ्री स्टाइल गाते हो, तो उस चीज़ को एक साथ सब लोगों को गाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ये रिकॉर्ड करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ हम लोगों के लिए, बट जो फाइनल रिजल्ट आया तो बहुत अमेजिंग साउंड कर रहा था। तो हम बाद में समझ पाए कि संजय सर ने क्यों बोला ऐसा कि 4-5 क्लासिकल सिंगर्स होने चाहिए जो सब लोग एक साथ मिल के गाएंगे इस गाने को। एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है मेरा उनके साथ, और लाइक मैं उनको भी फ़िलहाल 3-4 सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इतने बड़े यू नो फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। तो इस चीज़ के लिए सबसे बड़ा थैंक्स उनको। डेफिनेटली चैलेंज तो था ही, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि सारे गाने पहले बनते हैं, तो ऑलमोस्ट उनके दिमाग में जो जो भी सिचुएशंस होते हैं कि हाँ मुझे लगता है यहाँ पे भी ये गाना आना चाहिए और यहाँ पे भी आना चाहिए और यहाँ पे भी आना चाहिए, तो वो हर सिचुएशन के लिए गाना बनाते हैं यू नो। तो जैसे अभी फिल्म में शायद 8 या 10 गाने हैं, बट ऑलरेडी 20-25 गाने रेडी हो चुके थे। उसमें से फिर शॉर्ट लिस्ट करके ये जो बेस्ट सॉन्ग जो बने, नहीं ये तो डेफिनेटली रखना चाहिए, ये डेफिनेटली रखना चाहिए, तो वो सब गाने सब सॉन्ग्स डाले गए फिल्म में। सॉन्ग्स लोगों को पसंद आ रहे हैं, डिफरेंट लग रहे हैं, और डेफिनेटली डिफरेंट तो हैं ही, क्योंकि एक मराठी सब्जेक्ट है, मराठी बेस्ड सॉन्ग्स हैं, और जिसको बनाया एक जो संजय सर हैं गुजराती हैं, तो बहुत ही मतलब वियर्ड कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छे से बनाया गया है। लोगों को पसंद आ रहा है, लोग विजुअल्स की तारीफ़ कर रहे हैं सॉन्ग्स।